जय हिंद दोस्तों, आज हम आए हैं ब्याड़ा में और आज हम परविंदर सिंह जी से जानेंगे कि कैसे इन्होंने एक जो बढ़िया एक डेयरी फार्म शुरू किया हुआ है उसके बारे में इनसे जानेंगे। तो परविंदर जी, आप बताएं कि आपके पास कितने पशु हैं और आपने कैसे शुरू किया? डॉक्टर साहब, हमारे पास इस वक्त ये 5 पशु हैं। मैंने पहले एक गाय ली, वो हमें 100 रुपये देने लगी, रोज का दूध बेचे 100 रुपये देने लगे, फिर हमें थोड़ा सा 100 रुपये भी ज़्यादा लगने लगा। उसके बाद मैंने एक 20 लीटर वाली गाय लेके आया, ठीक है, उससे हमने जो है वो 400-500 रुपये रोज खाता रहे, परिवार हमारा सही तरीके से काम कर रहा था। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो काम तो सारे करने लगे। उसके बाद मैं उस गाय से पैसे इकट्ठे करके 5-6 गाय इकट्ठी कर ली है और हमारा परिवार और गौ सेवा भी है और पूरा परिवार गाय की सेवा में लगे हुए हैं और बच्चे भी इसी से पढ़ रहे हैं, सब कुछ घर का खर्चा भी कर रही है और गौ सेवा भी यही किस्म की। और मैं ये काम जो वो आगे के लिए बढ़ाना चाहता हूँ, इसको भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, तो आप बताएंगे आपके पास इस टाइम पे जो बड़े अच्छे से पशु आपके दिख रहे हैं, कितना कितना दूध इन्होंने दिया है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कितना दूध दिया है? मैक्सिमम ये जो फर्स्ट नंबर है ये गाय, इसको अभी 1.5 साल हो गया सूई हुई, अभी इसको 8 किलो दूध बछवाड़ा सा मैंने, अभी प्रेग्नेंट है ये 9वां महीना, इसको अभी 4 दिन हुए शुरू हुए, ये 20 लीटर दूध देती है। अच्छा, 20 लीटर दूध दिया है इसने? हाँ जी, हाँ जी, 20 लीटर दूध देती है। और ये फर्स्ट टाइमर थी बछड़ी अपनी, 9 महीने में इसने इंजेक्शन लिया था। 9 महीने में इसने इंजेक्शन ले लिया था, इंजेक्शन लिया था और 19-20 महीने के अंदर इसने ये बच्चा दिया। अब ये फर्स्ट टाइमर जो है वो इसने 18 लीटर दूध, अच्छा 18 लीटर दूध जो है पहली बार इसने दे दिया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और ये जो हमारा पशु है, ये जो आई है मैंने गाय खरीद के ले आया हूँ, उसको उन्होंने मुझे 15 लीटर दूध बताया था इसका, ये तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, अभी इसको अभी प्रेग्नेंट है ये, 2-3 महीने की प्रेग्नेंट है और अभी इसका 12 लीटर दूध देती है अभी, ये 12 लीटर स्टार्टिंग में इसका 20 लीटर दूध। अच्छा, शुरू में 20 लीटर था और अभी 12 लीटर दूध है और 3 महीने की ये गर्भवती है ये पशु। वो सर 20 लीटर से कम मैं गाय रखता नहीं, क्योंकि बाकी थोड़ा निकलाना, हमें भी कमा के दे और ये खुद भी खाए। हाँ, ये बहुत ही सही बात है कि अगर सेवा कर रहे हो तो आप एक ऐसा पशु रखो जो आपको 20 लीटर से ज्यादा दूध दे, तो ये बहुत अच्छी बात है। दो इनके पास बछिया भी है, बछड़ियां ये 10 महीने की बछड़ी है, ये इंजेक्शन के लिए तैयार ही है, अभी 2 बार ही हिट मारी लेकिन अभी इसमें इंजेक्शन लगा देना है, ठीक है। और ये भी 10 महीने की बछड़ी है, अभी 4-5 महीने बाद इंजेक्शन लगा। तो ये आपके पशु तो काफी अभी अच्छे चल रहे हैं, तो इसमें आप बताएंगे आप इनकी सेवा और देखभाल कैसे करते हैं और क्या क्या इनको खिलाते हैं? सेवा सर, सेवा के लिए तो इसमें देखो 1 क्विंटल जो हमें गेहूँ और उसमें 2 बोरी चोकर 555 लेके आता हूँ ओरिजिनल, और 10 किलो काले चने और 10 किलो इसमें मक्की डालता हूँ मैं, और 5 किलो तारामीरा, 5 किलो सरसों और खाड़ 20 किलो बड़ूमी की खाड़ और सरसों की 10 किलो खाड़, और बाकी मिनरल मिक्सचर वगैरह 2 नमक थैली की ये मैं सारा मिक्सर मिला के आप बनाते हैं। तो एक अच्छा जो है ये राशन कोशिश कर रहे हैं तैयार करने की, और उसी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हरी घास के लिए आप क्या करते हैं? हरी घास सर, मैं हरी घास के लिए सुबह इनको 7-7:30 बजे मैं घास काट देता हूँ, 15 मिनट मतलब क्विंटल घास काट देना है और 2 तूड़ी के टोकरू डाल के उनको एक बार मिला देना है, उसके बाद इन्होंने पानी पी लेना है, उसके बाद मैं इनको 5 बजे डालता हूँ, ठीक है, फिर सेम वही। तो हरा घास के लिए आपके पास जमीन है कि कुछ अपने और अरेंजमेंट भी किया हुआ है? और अरेंजमेंट मेरे पास ट्रैक्टर है, मैं तो दूसरों से ले लेता हूँ, अपना ये गोबर है ये बेच के मैं लोगों से तूड़ी ले लेता हूँ, घास ले लेता हूँ, और अपने पास तो 15-16 पट्टी है, वो गुजारा नहीं होता उसमें, क्योंकि हमने लगाने लगाने होते हैं, लेकिन मैं ये न्यूट्री फीड वगैरह और ये तो आपको लगता है कि हरा चारा भी बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है हरा चारा, बहुत जरूरी है पशुओं के लिए हरा चारा और फीड अगर मरते हैं सूखा हरे चारे में तो पशु जो है उसका गुजारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन पूरी मिला के उसका और ताकतवर भी है। और आप मिक्स करके खिलाते हो? मिक्स करके ये आप इसमें टोके में आप काट के और मिक्स करके आप खिलाते हो। और ज्यादातर आप कैसे रहता है कि आप पशु आप बाहर बांध देते हो और दिन में इनको धूप भी लग जाती है और शाम को बंद हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इनका पशुशाला भी देख लेते हैं। पशुशाला में इन्होंने रस्सी बना रखी हुई है, तो ये हम देख लेते हैं। तो ये पशुशाला आपने कब तैयार की है? सर, ये पशुशाला पहले मेरे पास 4-5 गाय थी, तो मेरे पास उस टाइम अभी नई नई गाय थी तो पैसा नहीं था मेरे पास, उसके बाद मैंने ये पीडी साहब ने मुझे 1 लाख रुपये मंजूर दिया, लेकिन मैंने 2 लाख अपना खुद डाल के ये सेट तैयार करा, तो ये बहुत ही 15 गाय इसमें बांध सकते हैं गाय के लिए, तो ये गाय ने मुझे कमा के दी है ये सारा। तो पंखे भी आपने लगाए हुए हैं? जी, पंखे भी चला के रहते हैं और अपने फर्श में पक्का करके रखे हैं, और देखे दरार दे रखी हुई है यहाँ पे ताकि जो भी अपना गोबर और मलमूत्र है वो आसानी से जो है वो बाहर निकल सके, खिड़की का भी प्रबंध किया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है अपना
जो एक घर पर जो है अपनी अच्छी जो है पशुशाला वो हम तैयार कर सकते हैं। और ये आपने कुछ ये भी रखे हुए हैं, ये स्क्रीन नहीं है हमारी, ये लड़के हैं छोटे उसके हम इनको बेचते नहीं है क्योंकि हम प्यार करते हैं पशुओं से। ये हमारे पास बछड़ा है लेकिन हम इसको अभी 3 किलो दूध पिलाते हैं। अच्छा। क्योंकि ये बच्चा जो है वो दूध तभी हुआ जब ये पैदा हुआ है, हम कभी मारने की कोशिश नहीं करते ना आवारा छोड़ते हैं पशुओं को, चाहे हमारे पास 10 पशु है जो खा रहा है ये फीड भी खाता है सब कुछ खाता है, लेकिन दूध इसी से हुआ है, अगर ये नहीं होता तो दूध कहाँ से आता है, इसलिए हम बछड़े को ये बछड़ा है इसको हम दूध पिलाते हैं। बाकी मेरा परिवार अभी 5-6 मेंबर है, इसी से पल रहे हैं, गाय पाल के दे रही है, अपना खर्चा भी निकालती है और बच्चों की पढ़ाई वगैरह जो भी है। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रेरणादायक आप कह लीजिए हमारे पशुपालक हैं, और इनसे मिलके हमें बहुत ही खुशी हुई, और हमें लगता है कि हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये वीडियो देख के निश्चित ही जो है वो पशुपालन के प्रति रुचि और प्रेरणा जो है वो जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।